अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तैयबा नसार खान है और आप लोग अभी लाइव वेबिनार सेशन देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे गालिबन इसकी। अभी मैं एक पीटीवी न्यूज के अंदर, पीटीवी वर्ल्ड के अंदर एंकर भी हूँ और साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बनाती हूँ शो के अंदर भी। तो हम लोग आज बात करेंगे वर्ल्ड टीचर्स डे की। बहुत ही कीमती दिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डे है जो अक्टूबर 5th पे मनाया जाता है। 1994 से यूनेस्को ने इसको मनाना शुरू किया और यूनेस्को ने इसको इसलिए मनाना शुरू किया ताकि 1966 के अंदर जो यूनेस्को और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशंस थी टीचर्स के स्टेटस के हवाले से, उसको कमेमोरेट किया जा सके। तो ये इंतहाई एक आलमी जरूरी दिन है। इसके अंदर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर्स, इसके अंदर स्टैंडर्ड उनकी इनिशियल प्रमोशन के लिए और उनकी प्रेपरेशन के लिए, साथ साथ फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, साथ साथ रिक्रूटमेंट, उनकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह के ऊपर बहुत बात होती है। मगर आज हम लोग अभी NYC मेंबर्स के साथ बैठे हैं, मैं खुद भी एक NYC मेंबर हूँ और मैं अपने फेलोज के साथ बैठी हूँ जो नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबर्स हैं और ये खुद इस एजुकेशन फील्ड के अंदर हैं। कुछ हमें ज्वाइन नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, उनकी पहले से कमिटमेंट्स थी, मगर जो अभी ज्वाइन किए हैं बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सबने ज्वाइन किया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। आप सब टीचर्स हैं, आप सब स्टूडेंट्स भी रहे हैं, आप सबसे अभी बात होगी कि टीचर्स के क्या चैलेंजेस होते हैं, एज अ स्टूडेंट आप लोगों ने चैलेंजेस क्या फेस किए और यूथ की डेवलपमेंट के लिए टीचर्स का कितना रोल है, सीइंग दैट आप सारे ऑलरेडी खुद भी यूथ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो कुरान की थोड़ी मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि इस्लाम के अंदर, सिंस आई एम अ मुस्लिम मायसेल्फ, आई वुड लाइक टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर्स इन इस्लाम। बात यह है कि टीचर्स का स्टेटस और दर्जा बहुत बहुत कीमती है, बहुत बड़ा है, और सिर्फ इस्लाम में नहीं, क्रिश्चियनिटी, जूदाइज्म, साथ हिंदुइज्म, साथ बुद्धिज्म, सारे रिलीजन में, शाओनिज्म, हर रिलीजन के अंदर टीचर्स का स्टेटस बहुत बड़ा है। कुरान के अंदर इन इटसेल्फ एक आयत है जो कहती है कि अल्लाह एलिवेट्स टू हाई पोजीशन दोज फ्रॉम अमंगस्ट यू हु आर फेथफुल एंड दोज हु हैव एक्वायर्ड नॉलेज। तो बात यह है कि शुरू की आयत जो आई थी, जो शुरू का वर्ड था वो था इकरा, रीड, और इसका मतलब ये है कि रीड आपको किसी ने कराना है, और वो कौन है, वो टीचर्स हैं। अल्लाह ताला हिमसेल्फ वाज़ द फर्स्ट टीचर, और फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सारों के टीचर थे। और अब टीचर्स का एक जो रुतबा है वो हम यही इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ टीचर, और जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं जिसके अंदर नेल्सन मंडेला आते हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े और वर्ल्ड लीडर्स आते हैं, ये सारे टीचर्स रह चुके हैं। तो बात यह है कि टीचर्स बहुत जरूरी हैं, और हमारे साथ इसी के ऊपर बात करने के लिए, उनके स्टेटस के ऊपर बात करने के लिए मौजूद जितने हमारे नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबर्स हैं उनका मैं तारुफ कराते चलती हूँ। नबीला हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं नबीला अब्बास, जो एक नॉन प्रॉफिट ट्राइबल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हैं। 1989 ताहिर मॉडल हाई स्कूल छोटी जरीन डीजी खान के अंदर ये पढ़ाती हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, और डेफिनेटली आज कोई इवेंट भी शायद बच्चों ने इनके किया होगा। और ये साथ सोशली रूरल लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर, जो अंडर प्रिविलेज एरियाज के अंदर हैं और कंडीशंस के अंदर रह रहे हैं, उनके ऊपर ये काम करती हैं। इन्होंने डायना अवार्ड भी हासिल किया है और भी बड़े अवार्ड्स और एजाज हासिल किए हैं जिनका हम लोग अगर लिस्ट खोल लें तो शायद हमारे पास टाइम कम रह जाएगा। तो आगे चलते हैं। रायना खान, रायना खान है एक फाउंडर और CEO जनाना फाउंडेशन की, जिसके अंदर 4 से 45 ईयर्स की एज के तकरीबन सारी खवातीन इनके पास पढ़ने आती हैं जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हैं। और ये खुद रायना तकरीबन 19-20 साल की और इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं। इन्होंने डायना अवार्ड हासिल किया है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड हासिल किया है, तमगा फख्र इम्तियाज गवर्नर पंजाब ने इनको सौंपा है। तो मतलब इन्होंने इतनी छोटी सी एज के अंदर समझ लिया कि टीचर का रोल क्या है। आगे चलते हैं। फरीदा कमल, फरीदा कमल एक बहुत ही सुलझी हुई खातून है, ये क्वेनो की फाउंडर हैं, जो एक ऐप है, एजुकेशनल ऐप है, क्योंकि अब एजुकेशन सिर्फ ऑन ग्राउंड नहीं चल रही, अब इसको डिजिटाइजेशन भी चल रही है। अभी हम वेबिनार जो कंडक्ट करें, कोरोना ने हमें कुछ ऐसा सिखा दिया कि हम लोग डिजिटाइजेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो ये एक एजुकेशनल ऐप है जो बहुत अच्छी ऐप है, टीचर्स और पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्शन बिल्ड करने के अंदर फरीदा का बड़ा हाथ, और 30 under 30 फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर इनका नाम आया हुआ है, जो बहुत पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। आगे चलते हैं। आतिक अर्श, आतिक अर्श एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में, साथ साथ प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल अवार्ड भी इन्होंने हासिल किया। और मजे की बात यह कि ये अभी PhD अपने कर रहे हैं, जो है फिजिकल एक्टिविटी फॉर मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन।
दो इंतहाई जरूरी टॉपिक्स उन्होंने उनको मर्ज कर दिया और साथ खुद भी टीच कर रहे हैं तो हम देखेंगे और साथ पढ़ भी रहे हैं तो हम इनसे भी पूछेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस था। और मजे की बात यह कि आतिक ने तकरीबन 70 रिसर्च पब्लिकेशंस की है, जो एक छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक रिसर्च आर्टिकल पर फंसी हुई हूँ तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि आतिक 70 रिसर्च पब्लिकेशंस करना बहुत ही कोई बड़ी बात है माशाल्लाह। राजा साद एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, जो शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं और इन्होंने PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, जो इस्लामाबाद में इसका इसकी ब्रांच है, ब्रांच नहीं बल्कि वाक्य है, इसको इन्होंने इसमें टीच किया है फिल्म मेकिंग। तो हम लोग अभी सिर्फ मेडिकल और रूरल एजुकेशन एंड अर्बन एजुकेशन भी, अंडर प्रिविलेज एजुकेशन की बात नहीं सिर्फ करें, हम लोग डिजिटाइजेशन की भी बात करें और फिल्म मेकिंग की एजुकेशन की भी बात करें। राजा ने साथ साथ वर्ल्ड यूथ फोरम के अंदर भी हिस्सा लिया और साथ साथ उन्होंने बुसान के अंदर, वहाँ उनको इन्वाइट किया गया जहाँ इनकी डेफिनेटली बहुत इनकी जो इनकी फिल्म अंडर प्रोडक्शन है उसके बारे में बड़ी वाहवाह भी हुई, तो हम इनसे भी बात करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले आतिक अर्श के पास। आतिक, आप सबसे पहले तो मुझे एक मैसेज छोटा सा दें वर्ल्ड टीचर्स डे के ऊपर, क्यों हम मना रहे हैं, क्यों हम यहाँ बैठ के आपस में बात करें, फिर आप मुझे ये बताएं कि मेडिकल एजुकेशन के अंदर क्या चैलेंजेस होते हैं जो सामना करने पड़ते हैं जब आप पढ़ रहे थे वर्सेस जब आप अभी पढ़ा रहे हैं, तो कैसे इंश्योर करना होता है, सबसे वन ऑफ द टफेस्ट एजुकेशन फील्ड, एजुकेशनल फील्ड, सो हाउ डू यू ओवरकम दैट। और फिर मैं आपसे दूसरा सवाल करूंगी, पहले इसका जवाब दीजिए। Thank you very much, Taiba. Thank you for inviting me and thank you for to all NYC members ki aap log ne jo hai mujhe sun rahe hain. So surely teachers to yakeenan agar hum religion point of view se dekhe ya even hum society point of view se dekhe to yakeenan teachers jo hai wo hamesha hi ek respectable profession hai. इवन कहा जाता है कि पैगंबरों का प्रोफेशन है, दीदन के जितने भी पैगंबर आए हैं वो सारे के सारे टीचर्स हैं। सो यकीनन अगर हम देखें सो टीचिंग एक प्रोफेशन है नहीं बल्कि एक इबादत है और हम ये इबादत करते हैं। सेकंड थिंग, आपने मेडिकल प्रोफेशन और टीचिंग का कहा, तो यकीनन मेडिकल प्रोफेशन में हमारे पास टीचर जो है ज्यादा नहीं आते एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन, कि ज्यादातर जो मेडिकल डॉक्टर हैं वो क्लिनिशियन बन जाते हैं और मोस्टली वो जो है वो टीचिंग साइड पे नहीं आते। तो यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप इतने एक हैवी सब्जेक्ट्स को इतने हैवी उसको कन्वे कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, और वो स्टूडेंट्स भी जिनको क्रीम ऑफ द कंट्री कहा जाता है, जो जो जिनकी जो हायर स्ट्रेंथ्स होते हैं वहां से वो आते हैं। सो दैट्स अबाउट समथिंग टीचिंग एंड टीचिंग प्रोफेशन। अच्छा जी, मैं अब आगे चलूंगी। कोरोना वायरस का अभी हम लोग देख रहे थे, पूरा तकरीबन 2 साल होने को आए हैं, नवंबर के अंदर चाइना में शुरू हुआ था, मार्च 2020 में पाकिस्तान में आ चुका था। तो कोरोना वायरस के अंदर हमारी एजुकेशन का स्टाइल बहुत डिफरेंट हो गया, टीचर्स की मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आने लगे, स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लगे और साथ साथ उनका कनेक्शन का भी इश्यू होना शुरू हो गया, वो ब्रिज नहीं रहा क्योंकि अब हम लोग फिजिकल स्पेस के अंदर नहीं पढ़ रहे, हम लोग एक स्क्रीन के थ्रू एक दूसरे को देख रहे हैं जैसे अभी अभी हम देख रहे हैं। तो हाउ डिड दिस इम्पैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, और टीचर्स का इसमें फिर क्या रोल रहा कोरोना वायरस में कि स्टूडेंट्स को फिर भी अच्छी तालीम दें? थैंक यू तैयबा फॉर द क्वेश्चन। तो यकीनन एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था 2019 में जब पेंडेमिक आया, बीइंग टीचर इवन वी डोंट नो मोस्ट थिंग, इवन द जूम जिस पे आज हम बात कर रहे हैं हमें इसके इतना आइडिया नहीं था और इस इवन हमें ऑपरेट करना नहीं आता था और सेम स्टूडेंट्स को। सो जितनी हर चीज के दो वो होते हैं, बैकग्राउंड होते हैं, एक तो ये कि कोविड के इंतहाई ज्यादा नुकसान रहे थ्रू आउट द वर्ल्ड, मोर्टिलिटीज भी मॉर्बिडिटीज की बड़ी हाई थी, बट एक फायदा ये हुआ कि दुनिया को एक नया पिक्चर भी मिला, एक नई चीज भी मिली। फरीदा हमारे साथ है, यकीनन जिस तरह डिजिटलाइजेशन का जो है वो एक कंसेप्ट आया, जूम को इस्तेमाल करना, फिर उसको जो है वो इन सेंस के और मेथड्स को इस्तेमाल करना, रिकॉर्डिंग्स करना, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस था। श्योरली जितने भी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं ज्यादातर के मुताबिक ऑनलाइन एजुकेशन मे बी इज नॉट एज मच इफेक्टिव एज जो फिजिकल एजुकेशन है या फेस टू फेस एजुकेशन है, बट द फैक्ट इज के जब हमारे पास कोविड जैसे हालात आए तो हमारे पास एक रिप्लेसमेंट थी। आप देख सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी ने जो है यूनिवर्सिटी
स्टूडेंट्स को ड्रॉप नहीं किया, किसी का सेमेस्टर जाया नहीं हुआ. एंड एक मेथड आया जिसने हमें सिखाया कोविड ने, कि हम जो है वो विदाउट जो है वो यूनिवर्सिटी जाके भी हम जो है वो करते थे. मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता चलूं. मोस्टली जब तक कोविड नहीं था तो हम कहते थे कि डिस्टेंस एजुकेशन या जो डिस्टेंस लर्निंग है ये वैसे ही है, मतलब हम इसको हमेशा एक नेगेटिव सेंस में लेते थे. बट कोविड ने हमें एक नई चीज ये सिखाई कि डिस्टेंस एजुकेशन इज पॉसिबल. लेट सपोज कोई बंदा रूरल एरियाज में है, कोई बंदा जो है वो means किसी ऐसे एरिया में है जिसको एक्सेस नहीं है, सो ही उसे एक्सेस है टूवर्ड इंटरनेट को, सो ही आर शी कैन यूज दैट सोर्स के वो लर्न करें. और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, पूछी कि टीचर्स का क्या रोल रहा. सो दैट समथिंग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव बीइंग टीचर, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप स्टूडेंट्स को जो है उस तरह कंट्रोल करें जिस तरह क्लास में कंट्रोल करते ना. क्लास में आपके पास डंडा होता है और आप, लेकिन हमने भी बहुत कुछ नया सीखा, हमको जो है एक्सपीरियंसेस मिली. सेकंड एक और फायदा जो हुआ वो इनॉर्मिटी थी. फिजिकल क्लासेस में स्टूडेंट्स को तंग करना बहुत वो है मुश्किल होता है कि वो टीचर को तंग करें, लेकिन जूम पे उनके दिल के ख्यालात आए, टीचर्स को तंग किया और हमें भी मजा आया, हमें स्टूडेंट्स के कंसर्न्स भी पता चले. तो यकीनन टीचर ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और साथ में स्टूडेंट्स ने दी कि कोप किया इस सिचुएशन को. सो यकीनन नुकसान के साथ साथ कुछ फायदे भी हुए. सो देयर इज समथिंग फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. हमारे पास दो चीजें होती हैं जो स्टूडेंट और टीचर का जो है वो बॉन्ड बनाती है, दैट इज रिस्पेक्ट एंड कमिटमेंट. सो अगर रिस्पेक्ट और कमिटमेंट होगी तो डंडा नहीं होगा, और अगर रिस्पेक्ट और कमिटमेंट नहीं होगी तो डंडा जरूरी नहीं है, लेकिन इन एसेंस के देयर इज सम सम सॉर्ट ऑफ. थैंक यू आतिक, थैंक यू सो. अब मैं नबीला के पास जाऊंगी. रूरल एजुकेशन की भी बात हुई. थैंक यू आतिक, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा वक्त दिया. अब रूरल एरियाज के अंदर एजुकेशन का बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है नबीला, बिकॉज हम लोग अर्बन सिटीज के अंदर, अभी मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ, साद इस्लामाबाद में बैठे हैं, फरीदा कराची के अंदर हैं, तो बात यह है कि रायना लाहौर में है, तो बात यह है कि हम लोग एक डिफरेंट उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आप जो हैं वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखती हैं. तो आपसे मैंने ये सवाल पूछना है कि एक छोटा सा इसमें जवाब मुझे चाहिए कि रूरल एरिया की एजुकेशन कैसे चैलेंजिंग है. बहुत शुक्रिया तैयबा, सबसे पहले आपने इतना लवली इंट्रोडक्शन कराया सबको, और बड़ी खुशी हुई सबसे मिलके. और इस टीचर डे पे मैं अपने टीचर्स को भी ट्राइब्यूट देना चाहूंगी, जिसमें मेरे वालिद साहब मेरे सबसे पहले टीचर हैं प्रोफेशनली भी एक स्कूल में, जिनके बदौलत मैं इस काबिल हुई हूँ कि आज यहाँ पे बैठी हूँ. और आपके सवाल की तरफ आने से पहले एक छोटी सी एक कोट करना चाहूंगी टीचर्स के लिए, जिसको हम काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स. हजरत अली राजिल्लाह ने नहजुल बलागा एक किताब है उनकी, जिसमें उनके खतूत लिखे जाते हैं, इसकी एक समरी सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी मुल्क में माशी इकतदासी या सियासी इंतशार आ जाए तो वाहिद वो मुअल्लिम हस्ती है जो उस मुल्क में अमन वापस ला सकता है. तो हमने इस चीज को बड़ा अंडरस्टिमेट किया हुआ है, क्योंकि टीचर की अहमियत सिर्फ स्कूल में नहीं है, बल्कि टीचर की अहमियत एक मुल्क की सियासी और इकतदासी जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें भी है. तो थैंक्स टू ऑल द टीचर्स जिन्होंने हमारी जिंदगी में एक अहम रोल अदा किया. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देहात के इलाकों में तालीम का एक प्रोस्पेक्टिव बहुत ही चेंज है, बहुत ही ड्यू टू लैक ऑफ यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज. क्योंकि मैं खुद भी एक दही इलाके से ताल्लुक रखती हूँ, अपने स्कूल लेवल में भी जब मैं थी प्राइमरी एजुकेशन में तो हमारे पास इतने चॉइसेस नहीं थे जैसे बड़े शहर में. अर्बनाइजेशन में आपके पास चॉइसेस होती हैं, इस स्कूल में पढ़ना है, आपके पास वर्ल्ड क्लास टीचर्स होते हैं, अब तो वर्ल्ड क्लास टर्म भी इंट्रोड्यूस होती है एज जब हम टीचर का नाम लेते हैं. तो दही इलाकों में तो इतना मिल जाए कि कोई प्राइमरी लेवल तक आपको पढ़ा सके, कोई उस्ताद अगर वो मिल जाता है तो बड़ी नेमत होती है. तो अभी भी स्टिल इन दिस 2021, क्योंकि मैं जैसे आपने मेरे तारुफ में जिक्र भी किया कि मैं एक नॉन प्रॉफिट ट्राइबल स्कूल ताहिर मॉडल हाई स्कूल चोटी जरी में एज अ वाइस प्रिंसिपल काम कर रही हूँ, तो मेरे पास हमारे पास 15 फीमेल टीचर्स हैं, सीनियर टीचर्स हैं, वो माशाल्लाह मास्टर्स भी हैं, बैचलर्स भी हैं. तो उनके चैलेंजेस डेफिनेटली बड़े डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एंड सिटीज,
उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकल यानी डिजिटलाइजेशन हम कनेक्टेड नहीं हैं। अगर हमने उनको कोई ट्रेनिंग्स भी देनी होती हैं तो हमें हर बार मैनुअल ट्रेनिंग्स देनी होती हैं या अपने एक्सपीरियंस को गेन करके उस ट्रेनिंग को उनके अंदर शिफ्ट करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है इन दिस 2021 एज वेल। और इसका मैं समझती हूँ हल एक ही है कि अब हम जो कि मैं हमेशा बात करती रहती हूँ नेशनल यूथ काउंसिल के भी थ्रू, के देहात के फलाह बहबूद एक बैकबोन है एक मुल्क की। जब तक हम देहात के फलाह बहबूद पर नहीं आएंगे तो हमारा जो तालीम का एक निज़ाम है वो भी बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसमें आपकी 63% जो पॉपुलेशन वो आपकी देहातों में रह रही है इन एनी वेज, ठीक है। तो अगर हम उसको बेहतर नहीं बनाएंगे तो फिर हम एक मुल्क को बेहतर बनाने का भी मुझे नहीं लगता कि उसमें एक प्रॉपर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कूल्स के भी मसले मसाइल हैं, टीचर्स के भी मसले मसाइल हैं, स्कूल भी आपके पास इतना अवेलेबल नहीं होते, हर देहात हर बस्ती में भी स्कूल नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी देहात हैं मेरे ही रेडियस में जहाँ पे इवन बच्चों की प्राइमरी तालीम के लिए इन दिस 2021 प्राइमरी तालीम के लिए उनके पास स्कूल मौजूद नहीं है। सो दे आर जस्ट फोर्स्ड टू लिव इन देयर होम्स, और फिर जब वो 13 की होती हैं या 14 की होती हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है। तो तालीम एक वो वाहिद हमारे पास हथियार है इस वक्त जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू यू नो रिलेट सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब एक बात निकल गई है कि तालीम एक वाहिद हथियार है जिससे हम बच्चों की जो कम उम्र में शादी की जाती है उसको भी रोक सकते हैं। तो ये देहात एक बहुत बड़ा मसला है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में भी इनडायरेक्टली सम हो कहीं ना कहीं वो रूरल एरिया से कनेक्ट करती है। अगेन आई से कि अगर हम चाहते हैं कि हम जो हमारी 50% वुमेन पॉपुलेशन है उसको हम 100% एम्पावर करना चाहते हैं जिसकी जंग हम बड़े अरसे से लड़ रहे हैं, तो उसमें एक मिसिंग एलिमेंट ये भी है कि हम देहात की बच्चियों और उनकी तालीम की तरफ नहीं आए जब तक उनकी बेहतरी के लिए काम नहीं होगा कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को भी अचीव नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल नकवीरा, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपसे आपने बड़ा मजे का जवाब दिया और इसी जवाब से मैं कनेक्ट करूंगी अपना अगला सवाल रायना से। रायना, अभी नबीना ने ये बात की कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है और ये इसका कनेक्शन भी डेवलप होता है साथ साथ वर्ल्ड टीचर्स डे के अंदर। आपकी जनाना फाउंडेशन है, आपके पास 4 से 45 तक की जितनी भी खवातीन आती हैं इनके भी इश्यूज हैं, सिर्फ रूरल एरियाज में इशू नहीं होते, अर्बन सेंटर्स में भी इस्लाम एरियाज होते हैं वगैरह वगैरह, वहाँ के भी औरतों के इश्यूज होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही होती है, आने नहीं दे रहे होते, पढ़ने नहीं दे रहे होते। तो आप कैसे, एक टीचर का रोल क्या होता है कि वो बच्चों को हेल्प करे रिकॉग्नाइज करने के लिए एजुकेशन इतनी जरूरी है कि आप, और उनको करेज दे कि आप आके एजुकेशन लें चाहे आपके जितने भी मसले चल रहे हैं? That's a very nice question, Taiba. I was indeed thinking about the same thing. Ke rural areas ke saath saath hi urban areas ka bhi bahut bada masla hai. Jab maine Zanana Foundation ki buniyad rakhi to jaise main apne aksar interviews mein kehti hu ki mujhe jin slum areas mein jaake logon ko convince karna tha ki you know come to my school aur yahan pe sab kuch bilkul free hai. Mujhe initially us time 15 saal ki ladki ko ye lagta tha ki sirf ye masla hai ki inko ye fees afford nahi kar sak rahe hain, you know they can't come to school. Or they can't afford education, but वो मसला नहीं था। बहुत ज़्यादा barriers उनके आगे stereotypical cultural और religious रख दिए गए हैं जिसकी वजह से they can't step out of their houses। और जब मैंने उनके areas में जाना शुरू किया तो मुझे भी liberal एक title मिल गया था कि ये फहाशी पहनाने आ रही हैं और इनको ना यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। हालांकि what was I talking about? मैं उस वक्त किसी की rights की बात नहीं कर रही थी। I wasn't talking about you know this issue of child marriages and what not. I was just simply talking about children's basic right to education, जो कि उनका बुनियादी हक है। हमें वाकई में कोई पॉलिटिशियन नहीं दे सकता, ये मुआशरा नहीं दे सकता, ये हम अपने साथ दुनिया में लेकर आते हैं, इट्स आवर बेसिक राइट। तो खैर यहाँ पर आई लर्नड के एक तो मैं टीचर बनकर जा रही थी लेकिन आई नीडेड समवन रिलीजियस स्कॉलर जो कि उधर मदद कर सकते अपनी टीचिंग्स के जरिए और उनको कन्विंस कर सकते कि इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी ये खवातीन को पढ़ाई हासिल करने से बिल्कुल मना नहीं करते, बल्कि कहा जाता है कि आप पढ़ाई हासिल करें, जैसे कि तैयबा इन द इंट्रोडक्शन यू नो हाईलाइटेड हाउ इस्लाम एंड अदर रिलीजंस बेसिकली टॉक अबाउट एजुकेशन राइट। तो वहाँ पे बहुत मदद मिली रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ, हमने उनको ऑन बोर्ड दिया, वी कन्विंस दीज पीपल टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेस। और मुझे इस बात का अब अंदाजा हुआ कि टीचर्स कैन ब्रेक यू और मेक यू, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट नेशंस एज वेल। ये टीचर्स हम लोग, जरूरी नहीं है स्कूल की टीचर्स ही हो, कोई भी टीचर, जो भी कोई इंसान कोई चीज़ आपको सिखाते हैं वो आपको या तो टॉलरेंस सिखा सकते हैं या डिस्क्रिमिनेशन सिखा सकते हैं, या फिर वो आपको टॉलरेंस सिखाएंगे या एक्सट्रीमिज्म सिखाएंगे। जब मेरे पास डिफरेंट मजहब से बच्चे आ रहे थे जनाना फाउंडेशन में,
हमारी ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटीज़ हैं. वी हैव क्रिश्चियंस एंड हिंदूज़ जो मेजॉरिटी में, और मुस्लिम्स कम है थोड़े. उनका आपस में बैठना उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं था. सबसे पहला इशू ये था कि सिर्फ मुस्लिम बच्चों का स्कूल होना चाहिए. एंड आई डिड नॉट लेट दैट हैपन. मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता कह के, वी बीन हियर सिंस 3 years, और वो चीज़ हमने ही सिखाई है. अगर मैं उस टाइम या उनकी बात मान लेती या उनकी बात पर यू नो इफ आई एग्रीड विद देम अफेक्ट करने देती उनकी बात करते, आई थिंक वो माइनॉरिटी फिर से हमारी स्कूल के बाहर ही होती है. और वो मैंने स्कूल पूरा मुस्लिम बच्चों को दिया होता. अभी कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आते स्कूल सिंपली बिकॉज यहाँ पे दूसरे मजहब के लोग हैं, बट वी आर ट्राइंग टू यू नो वर्क ऑन द फ्रॉम द ग्रास रूट्स लेवल उनको कन्विंस करने के लिए. और इसी तरह जहाँ हमने रिलीजियस टॉलरेंस पे काम किया है थ्रू ज़नाना फाउंडेशन, वी आर ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स जेंडर इनइक्वालिटी. यू नो दैट समथिंग ऑब्वियस. लेकिन जब हमारे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, इनिशियली लाइक तैयबा मेंशन्ड, ज़नाना वाज़ फॉर वुमेन. लेकिन जब ख़वातीन को घर से निकलने की इजाज़त है, अब आप उनके घर जाएंगे, आई वुड लाइक टू टेक ऑल ऑफ़ यू विद मी, तो आप उनको कहेंगे कि ना आप अपनी बच्चियों को भेजें, अपनी बीवी को भेजें, अपनी वालदा को भेजें ताकि ये एजुकेशन हासिल कर सकें. तो वो उल्टा आपको काउंटर ऑफर करते हैं कि जी आप बच्चियों को रहने दें, हमारे बेटे को ले जाएँ. उसके बदले में हमने एक पॉलिसी बनाई अपनी कि हर बेटा, हर बच्चा जो एक लड़का जो आएगा यहाँ पे, उसके हमने एज लिमिट रखी है टिल 15 years, क्योंकि देन गर्ल्स हैव इशूज स्टार्टिंग विद बॉयज. सो रिस्पेक्टिंग दैट, हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई कि कोई एक बच्चा जो एडमिशन लेगा ज़नाना में, उसके साथ 2 ख़वातीन का होना ज़रूरी है. अब अगर कोई वालिद अपने बेटे को पढ़ाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि या तो अपनी 2 बेटियाँ साथ भेजें या अपनी बीवी को और किसी एक बेटी को साथ भेज दें. तो दैट्स हाउ इट्स गोइंग एंड इट्स अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी, जिसकी मदद से आई लर्न्ड कि कितना ज़रूरी है कि हम लोगों के मेल एलाइज भी हों. सो आई थिंक वेयर आई से दैट आई एम द सीईओ ऑफ ज़नाना फाउंडेशन, आई एम आल्सो द चीफ लर्नर हु इज लर्निंग एवरी सिंगल डे फ्रॉम द स्टोरीज दिस चिल्ड्रन हैव एंड फ्रॉम व्हाट ऑल द प्लेटफॉर्म. मतलब जो एजुकेशन के फॉर वुमेन स्टार्ट हुआ था, इट्स इंक्लूसिव नाउ. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द जेंडर्स हियर. And what started for education is also focusing on employment opportunities. It's also focusing on environment and so on and so forth. Look, Raina. जी जी, आपने अभी बात की कि मेल एलाइज होना ज़रूरी है, इंक्लूसिविटी की बात की, सारे रिलीजन से आते हैं और अब आपने मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को बैलेंस करना शुरू कर दिया, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इंक्लूसिविटी में एक और भी बात आती है, एज गैप का. अब आप हैं सिर्फ 19-20 साल की, आपके पास जो पढ़ने आते हैं 45 तक के लोग भी आते हैं, तो आप कैसे अपनी बात मनवाती हैं एज अ टीचर? हाउ डू इंश्योर कि आपकी बात सब सुने, और आप अच्छा टीचर कैसे बनती हैं? अच्छा, तो आई डोंट एक्ट एज अ टीचर. अगर आप कभी ज़नाना विजिट करेंगे तो मैं अक्सर काम देकर या फिर बोलते बोलते उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाती हूँ. इनिशियली वही बात है, जो एडल्ट वुमेन है, दे हैड अ प्रॉब्लम कमिंग टू स्कूल कि आप पढ़ाएंगी हमें, और यू नो शर्म आ रही है, बच्चों के साथ नहीं बैठना. तो हमने पार्ट टाइम स्कूलिंग स्टार्ट की और मैंने उनको ज़नाना इस तरह बुलाया कि मैंने कहा ठीक है, ये नहीं तो आप स्टिचिंग तो सीख सकती हैं ना, मतलब वी कैन एम्पावर यू इस तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देके वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू. और जब उन्होंने आना शुरू किया तो उसके साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा उनको सिखाते गए, जैसे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स सिखा दिए, दे स्टार्टेड लाइकिंग इट एंड देन वी बिल्ट अपॉन इट. उनकी या तो पार्ट टाइम क्लासेस होती हैं जो कंफर्टेबल नहीं है विद स्टूडेंट्स, या फिर आप मुझे उनके साथ ही बैठा हुआ पाएंगे, मैं उनकी स्टोरीज सुन रही होती हूँ और उनको साथ साथ चीज़ें गाइड कर रही होती हूँ. जिस तरह अगर कोई अपना नाम वगैरह बताया था, आई टेल देम दैट यू नो या नाउन होता है, इसको इसम बोलते हैं और ये इस तरह है और ये इस तरह है. सो थ्रू एक्टिविटीज वी आर ट्राइंग टू एंगेज दीज वुमेन हु आर नॉट कंफर्टेबल अटेंडिंग अदरवाइज. Thank you so much, Raina, for joining us. I know you have a busy schedule, but aapne hume bahut mazey ki interesting perspective diya ki activities aap sikha sakte hain. Teaching ka zaruri matlab ye nahi ki aap usko spoon feed kare, usko forcefully sikhaye. Teaching is also about learning from them and then teaching them what you have through activities and through friendliness. Thank you so much for joining us. Main Saad ke paas jaungi. Saad, aap hain ek filmmaker, you are a filmmaker and you teach filmmaking as well. Ab baat ye hai ki ye ek entirely different field hai, very interesting field hai, aur iske andar I think Raina ki ye baat bahut zyada include hogi aur hum log isko dal sakte hain ki teacher ek wo nahi hota jo dictate karta hai, teacher saath milke chalata hai. To aap kaise saath milke chalate hain? Thank you so much Taiba, pehle to aapka bahut shukriya jo aapne itna introduction basic aapne sab kuch bataya. मैं तो सबसे पहले देखें ये बात कहना चाहूँगा कि मोर देन अ टीचर, मुझे लगता है कि आई एम मोर ऑफ अ स्टूडेंट, क्योंकि मेरे हिसाब से आप कभी भी लर्निंग स्टॉप नहीं करते हैं और लर्निंग प्रोसेस कभी रुकता ही नहीं है. सो वी आर ऑलवेज द स्टूडेंट ऑफ लाइफ एंड स्टूडेंट फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस.
तो मेरे हिसाब से तो अगर मैं PhD करके भी टीचिंग करूंगा तभी मुझे अपना आप एज अ स्टूडेंट ही फील होगा। उसके अलावा देखिए, जब बात करते हैं आप एजुकेशन की, मेरे हिसाब से टीचिंग का जो है, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको अपना बचपन का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैं जब एज अ स्टूडेंट था और जब मैं, क्योंकि मैं एक मैंने भी एक विलेज से ही एजुकेशन की हुई है, अर्ली एजुकेशन, तो हम जब बचपन में एक टीचर को देखते हैं तो हम उसको एज अ, हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा विलन जो होता है वो टीचर होता है। जब एक बच्चा होता है वो स्कूल जा रहा होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो है वो कहता है कि मेरा टीचर जो है मेरा दुश्मन है सबसे बड़ा, क्योंकि वो उसको सिखा रहा होता है, एजुकेट कर रहा होता है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना उसमें इश्यूज हैं कि उसमें जो टीचर की ड्यू रिस्पेक्ट है और जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो एक बच्चे को समझ नहीं आती है। अब हमें इस लेवल पे आगे समझ आती है ऑफकोर्स कि हमें टीचर्स ने, जिस जिस टीचर ने हमें जो चीज़ें बताई थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। बट जब हम वो बच्चे होते हैं, मेरा, मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा ये मानना है कि जब एक छोटा बच्चा नर्सरी प्रेप से आता है या वन क्लास में आता है, तो उसको भी उस टीचर की इतनी समझ हो और वो उसको उस तरह से देखे कि वो उसको सिखा रहा है, वो उसके लिए उसको एजुकेट करा रहा है उसके फायदे के लिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम इश्यूज ये हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक एक लर्निंग प्रोसेस पे फोकस करता है। 9 to 2 आपने, 8 to 2 आपने स्कूल जाना है, वहाँ आपकी पीरियड्स होंगे, आपने वो चीज़ें पढ़नी है, एंड टोटल रटा सिस्टम होता है और उसी को सब फॉलो कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक नबीला ने एक वीडियो शेयर की थी, एक बड़े इंटरेक्टिव किस्म के कोई टीचर थे और वो बड़ी इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ा रहे। तो मेरा मानना है कि यूँ पैरेलल लर्निंग्स होनी चाहिए, सिर्फ जो एक जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक ही तरीका है वो नहीं होना चाहिए। आपने अगर स्टूडेंट्स को सिखाना है, जैसे अब रायना ये बात कर रही थी कि एक्टिविटीज की बेस पे करें, कि आप उनके साथ कनेक्ट करें, आप उनके साथ स्टूडेंट लेवल पे जाए कनेक्ट करें, आप ये मत फील करें कि आप जो है एज अ टीचर वो कर रहे हैं। और ऐसे ही आप कैसे कनेक्ट करते हैं? जी मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही जो हमारी फील्ड है फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा जो काम होता है मोस्टली दैट इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग, उसमें थ्योरेटिकल एक चीज आती है। बट अगर आप हमारी फील्ड में अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकली थ्योरी पढ़ाने लग जाएंगे ना किसी भी स्टूडेंट को, तो उनको या तो सिर्फ रटे की तरफ जा सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं। बट अगर आप उनको साथ साथ इंटरेक्टिव एक्टिविटीज देंगे, आप उनको प्रैक्टिकली इन्वॉल्व रखेंगे, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास दे रहा हूँ, मैंने बहुत सारी वर्कशॉप दी हैं और बहुत सारी, लेकिन मैं फोकस, मेरा ये फोकस रहता है कि मैं थ्योरेटिकली सिर्फ थ्योरी पे ना फोकस करूं, और मैं अगर कुछ चीज़ पढ़ा रहा हूं, अगर मैं 10 मिनट या 15 मिनट एक थ्योरी बता रहा हूं, तो साथ साथ नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स मैं उसकी प्रैक्टिकल सिचुएशन भी बताऊं कि प्रैक्टिकली ये किस तरह से होगा। तो इस तरह से बहुत से हर एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये तरीके, ये चीज़ें हैं जिससे टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और पैरेलल लर्निंग का वो देखें, तो अगर आप सब ने रिसेंटली एक अटेंड किया था जो सुपर लर्निंग का एक कोर्स वो था, तो इस तरह की चीजें भी हमारे लर्निंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले, यू नो, नॉट जस्ट, और टीचर्स की रिस्पेक्ट और टीचर्स की इम्पोर्टेंस मेरे नहीं ख्याल कि हमें इस उम्र में आगे समझनी चाहिए, जब हम 25-26 साल के हो जाते हैं, हम अचीव कर चुके होते हैं। मेरे ख्याल से टीचर्स को उस लेवल पे कनेक्ट होना चाहिए कि जब बच्चा वन क्लास में आए तो वो अपने टीचर के लिए उसकी वही इम्पोर्टेंस हो, उसको पता हो कि ये मेरा टीचर जो मुझे सिखा रहा है मुझे ठीक सिखा रहा है, तब जाके वो स्टूडेंट भी उतना ही ज्यादा इन्वॉल्व होगा इस चीज के। बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने बड़े मजे का पर्सपेक्टिव दिया कि टीचर की रिस्पेक्ट सिर्फ 25 साल की उम्र पे आके या इससे बड़े होके आके नहीं आनी चाहिए, पहले से आनी चाहिए। तो फरीदा मैं आपसे पूछूंगी, आप क्वेनो, आपकी एक है ऐप है, एजुकेशनल ऐप है, जहाँ आप कनेक्ट करती हैं स्टूडेंट्स को टीचर्स के साथ, पेरेंट्स को टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, और इनका एक ट्रियो सा बना हुआ है बड़े मजे का। एक तो पहला मैं आपसे ये साथ का ही लेके चलते हुए आपसे सवाल पूछूंगी कि ये रिस्पेक्ट आपकी ऐप कैसे डेवलप करती है टीचर के लिए स्टूडेंट्स में, यूजिंग पेरेंट एज अ बेसिक बिच। ओके, थैंक यू सो मच तैयबा for the introduction, and thank you Kamyab Jawan for arranging this like webinar for all of us. मैं साद की बात को लेते हुए चलूंगी। साद ने बात की थी कि टीचर सबसे बड़ा विलन है बच्चे के लिए, उस एज ब्रैकेट में होता है। तो सबसे बड़ा विलन होने का रीजन क्या होता है, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो 45 मिनट की क्लास होती है एक, जिसके अंदर टीचर्स को जो है वो अटेंडेंस लेना, होमवर्क डायरी, क्लास में बच्चों को चुप कराना, हर चीज को लेके 15-20 मिनट्स वहीं चले जाते हैं। तो टीचर के पास टाइम चंक इतना कम बन जाता है, बच जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टास्क डुप्लीकेशन एंड ब्यूरोक्रेसी ऑफ द स्कूल।
कि वो उसका जो टाइम है वो इतना शॉर्ट हो जाता है उसके लिए कि उस टाइम के अंदर उसको क्लास में कंटेंट भी डिलीवर करना है. तो यहाँ पे क्वेनो ने जो है वो इनिशिएटिव लिया था कि क्यों ना हम लोग जितना भी मैन्युअली स्कूल्स में काम हो रहा है, लाइक अटेंडेंस है, होमवर्क डायरीज है, प्रोग्रेस कार्ड्स हैं, जितनी भी सारी चीजें, हम उसको ऐप के थ्रू परफॉर्म करवाएं ताकि टीचर का वहाँ पे टाइम भी सेव हो सके और टीचर जो जिस टीचर का जो कोर टास्क है पढ़ाना, वो उसको प्रोडक्टिविटी के साथ वो चीज को पढ़ा सके. सेकेंड एंड पे हमने देखा था कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो कभी भी हमारे पाकिस्तान में नहीं लेकिन ग्लोबली भी यही है कि वो बच्चे इंटरेक्ट इतने पेरेंट्स के साथ अपना कर नहीं पाते हैं. वो बच्चा नहीं बताता घर में जाके कि आज स्कूल के अंदर क्या पढ़ा है, जिसकी वजह से वो इंटरेक्शन, हम हमेशा बात करते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स के बीच में जनरेशन गैप है या एज गैप है, वो एज गैप जो है सिर्फ नंबर्स की वजह से नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज हम इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते अपने बच्चों से. हम पूछते नहीं है कि बेटा आज क्लास में क्या पढ़ाया और बच्चा खुद से बताता नहीं है. तो वॉट इफ के क्लास में अगर पेरेंट्स को बिफोर हैंड पता चल जाए कि आज आपकी क्लास में बच्चे की ये पढ़ाई हुई थी और ये आपके बच्चे की प्रोग्रेस थी, तो सोचिए वो इंटरेक्शन का लेवल कितना ज्यादा बढ़ जाता है. तो यहाँ पे क्वेनो ने जो है वो हेल्प की थी स्कूल्स को डिजिटाइज करने में और पेरेंट्स और टीचर्स स्टूडेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि ट्रेडिशनली अगर आप स्कूल्स में पढ़ाओगे तो आप अपने बच्चे के फ्यूचर को रॉब कर रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उनके फ्यूचर को रॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा एक सेंटर पार्ट है, वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट सब कनेक्टेड होते हैं. हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे को ग्रो करने में. हमें नहीं पता कि अगर हम एक बच्चा क्लास में एबसेंट हो जाता है और वहाँ पे एक रेड मार्किंग हो जाती है इनकम्प्लीट की, वो इनकम्प्लीट का साइन बच्चे के अंदर सेल्फ एस्टीम को जो है लो करने लगता है. स्टार्ट वहीं से होता है जो हम समझ नहीं पाते हैं, बहुत छोटी और माइनर चीजें जिनको हमने नेगलेज किया सोसाइटी के अंदर. वॉट इफ अगर बच्चा क्लास में ना आया, बिफोर उसको पता चल जाए कि आपके ये होमवर्क्स हैं, तो बच्चा घर पे बैठ के भी उस चीज को तैयारी कर सकता है. तो क्लास में जो उसका सेल्फ एस्टीम लो हो रहा था वो शायद कॉन्फिडेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाए. तो क्वेनो इसी विजन के साथ जो है हमने डिजाइन किया था अल्हम्दुलिल्लाह. क्वेनो जो है वो आज ग्लोबली भी यूज किया जाता है, विद इन पाकिस्तान के अंदर भी यूज किया जाता है. बनाने की आपकी आपकी वो क्या थी, what was the sparking point, जो एक point था जिसमें आपने सोचा कि मैं करूंगी, why this app, why not another idea? Okay, तैयार बस सबसे मैंने खुद भी जो है, मैं जब इंटर में पढ़ती थी तो मैंने खुद भी टीचिंग की थी, तो मुझे पता था कि मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने देखा था टीचर्स का वर्कलोड बहुत ज्यादा है. हम एक एक डायरी अपने हाथों से लिख रहे थे उन 35 बच्चों की क्लासेस के अंदर. हमारा जो देखिए यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर टीचर्स बहुत अंडर पेड है, जिसकी वजह से हर चीज हमारे पास छोटे एज ब्रैकेट के टीचर्स आ रहे होते हैं, तो हमारे पास पीएचडी होल्डर्स या बड़े टीचर्स आते नहीं, तो वो बच्चे का भी कहीं ना कहीं एजुकेशन पे जो है इम्पैक्ट आता है. तो हमें समझना है कि हमारे पास सेंस वैसे भी इंसेंटिव इतना कम है, मोटिवेशन लेवल, देखो मनी इज अ मोटिवेशन फॉर एवरीवन, तो वहां पे वो चीज जो है हमारी लैक करती है. इसी रीजन ऊपर से घर पे आओ और इतना ज्यादा काम आपको वर्कलोड भी दे रहे हैं उसके साथ साथ, तो बहुत ज्यादा मुश्किल था उसको मैनेज करना अपने घर के काम के साथ. तो वहां पे मैंने सोचा था कि आफ्टर यूनिवर्सिटी जो है हम लोग इस पे काम करेंगे कि जितनी भी मैनुअल चीजें हैं वो डिजिटाइजेशन की तरह जाए. हम 2016 से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन हमें कोविड ने काफी ज्यादा बूस्ट दिया था, जस्ट बिकॉज कोविड ने, आई गेस इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर एजुकेशन. मैं जी तो एजुकेशन इन डिसगाइज, मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज ये फॉर अस के यहाँ पे जो है वो ग्लोबली सब जो है अब टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए थे, ट्रेडिशनल मेथड खत्म हो गए थे, अब हमें टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए. पाकिस्तान में हम लोग थोड़ा चेंज को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हर कोई नहीं कर पाता इतना जल्दी चेंज को एक्सेप्ट. हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि हम लोग जो है वो डिजिटाइजेशन की तरफ, ट्रेडिशनल से अब हम डिजिटाइजेशन की तरफ फॉरन से शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जो स्कूल ऑलरेडी डिजिटाइजेशन की तरफ थे उनके लिए बहुत इजी था कि उस प्रोसेस को स्मूथली कर सकें. कुछ स्कूल इसी रीजन से बंद भी हो गए क्योंकि उनको संभाल नहीं पाए इस टेक्नोलॉजी को. हर स्कूल स्कूल अगर हाइब्रिड सिस्टम्स को अडॉप्ट नहीं किया वो सिर्फ ट्रेडिशनली चलते रहेंगे, क्योंकि अब पेरेंट्स भी स्मार्ट हो गए, बच्चा भी स्मार्ट हो गया है, वो समझ गया है टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, पेरेंट को भी समझ आ गई है कि टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम बैक पे जाएंगे तो स्कूल्स को बहुत आ जाता है कि कभी भी जो है वो टेक्नोलॉजी स्कूल्स की बिल्डिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता फिजिकल. हमें सब यही कहते हैं कि आप आएंगे तो हमारी स्कूल्स को रिप्लेस कर देंगे. मैं कभी इस चीज को नहीं मानती क्योंकि स्कूल सिर्फ तालीम नहीं देता, वो आपको जिंदगी भी देता है, वो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग भी कर रहा होता है, आपकी हर तरह से वो ग्रूम करता है, कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होता है, सोशलाइजेशन आपके अंदर बढ़ती है. वो चीज कोई भी टेक्नोलॉजी या ऐप है वो उस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता है. तो हमें हाइब्रिडली दोनों को एक साथ लेते हुए चलना होगा तो ही हम विन कर सकते हैं सिचुएशन में. हाइब्रिड साथ लेके चलना होगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका पर्सपेक्टिव था फरीदा, यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब.
मतलब आप मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं. आपकी जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, जैसे आपने उसको डेवलप किया, दिस इज ऑनेस्टली वेरी अमेजिंग. नबीला, मैं आपके पास आऊंगी. एक बात फरीदा ने की कि हम अब सारे सेम लाइन पे आ गए, ऐसे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, क्योंकि आप है रूरल एरिया में, वहाँ इंटरनेट का इशू होता है, तो वहाँ डिजिटाइजेशन हम लोग फिर कैसे करें, और फिर आप कैसे उसको ओवरकम करती हैं चैलेंज ये जो है इसका कि देयर इज नो डिजिटाइजेशन, स्पेशली कोरोना के टाइम पे, जब आपके पास सारों के पास तो एप्स थी, जूम था, हम लोग आराम से उस पे वीडियो कॉल कर लेते थे, क्लासेस ले लेते थे, तो रूरल एरिया ने कैसे फिर इसको मैनेज किया? फरीता बहुत ही अच्छा काम कर रही है. जाहिर है हम सुनते रहते हैं, और डिजिटलाइजेशन इज लाइक अ पावर इन अर्बन एरियाज राइट नाउ. मैं यहाँ पे एक टर्म यूज करूंगी, सोशल कोहेजन गैप. यानी हमारे अर्बन और रूरल एरियाज में एक सोशल कोहेजन गैप की सूरत हाल है इस टाइम, इवन इन दिस 2021. हालांकि होना नहीं चाहिए था, जाहिर है हम 2021 में बैठे हैं और हमें डिजिटलाइजेशन बोथ रूरल को भी कर लेना चाहिए था अब तक. वेल इट डिपेंड्स के आपकी स्टेट के डेवलपमेंट्स के कौन कौन से टारगेट्स हैं और किन किन को अचीव कर चुके हैं और कब वो इस साइड पे भी आएंगे, इट डिपेंड्स. लेकिन द हैप्पीएस्ट मोमेंट एंड न्यूज इज दैट कि अब हम जैसे यंग लोग जो कि एजुकेशन फील्ड में अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरा फील्ड एविएशन था, बट ड्यू टू पैशन ऑफ यू नो डिवेलपिंग रूरल एरियाज एंड टू स्पीक अबाउट दिस, मैंने पर्सनली ये डिसीजन लिया COVID-19 के ही दौरान कि मैं एजुकेशन फील्ड में जाऊंगी, वहां पे काम करूंगी. और वहां जाने का मकसद यही था कि मैंने जितना एक्सपोजर लिया है अर्बन एरिया से, बड़े यूनिवर्सिटी से, उस एक्सपोजर को और एक्सपीरियंस को मैं यूटिलाइज करूं, और जो मेरे अपनी कम्युनिटी के लोग हैं रूरल एरियाज में, क्योंकि रूरल एरियाज का मसला ये है कि जो एक्सपीरियंस्ड एक्सपोजर टाइप लोग हैं वो ज़ाहिर है यहाँ पर उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती. एवरीवन इज समहाउ बिजी इन यू नो अर्बन एरियाज, और वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी बहुत है, हर किसी की लाइफ बहुत ही तेज रफ्तारी से वहाँ पे चल रही है. तो मेरा ये डिसीजन था, मैं वापस आई तो यहाँ पे मैंने ये सारे चैलेंजेस देखे जो टेक्निकल और डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं. तो देहात के स्कूलों में COVID-19 के दौरान उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि उन्होंने अपने स्कूलों को बंद रखा. दो दो महीने भी स्कूल बंद रहे, 6 महीने भी स्कूल बंद रहे, जिसमें उन्होंने कोप अप करने की ये कोशिश की कि मैनुअल वर्कशीट बना के या तो उनके घरों तक पहुंचाए जाए किसी तरह से, डोर टू डोर सिस्टम, या फिर बच्चों को बैच वाइजेस स्कूल में बुला के 1 घंटे के लिए जिसमें वो अपनी वर्कशीट ले जाए. तो हमारे स्कूल में, ताहिर मॉडल हाई स्कूल छोटी जरिए में, हमने एक ये तरीका निकाला कि हमने कुछ एनजीओ के साथ काम करके कंप्यूटर लैब को इस्टेब्लिश किया ड्यूरिंग दिस COVID-19. और उस कंप्यूटर लैब को इस्टेब्लिश करने का मकसद भी यही था कि हम कुछ पहले तो अपने टीचर्स को ट्रेंड करें टेक्निकली और डिजिटलाइजेशन की तरफ, फिर वो जो टेक्निकली और डिजिटलाइजेशन का एक्सपीरियंस लेंगी उसको यूटिलाइज करते हुए कुछ रिसोर्सेज बच्चों के लिए प्रिपेयर करें, तैयार करें, और फिर वो उनके सेलफोन तक एटलीस्ट हम पहुंचा सकें उन रिसोर्सेज को. क्योंकि इन सम हाउ रूरल हो या अर्बन एरियाज हो, सेलफोन ये बाहर एक स्मार्ट चीज है जो हर किसी के पास मौजूद होती है. बट स्टिल अगेन द पॉइंट इज दैट कि रूरल एरियाज में फिलहाल और बेसिक जो नेसेसिटीज है उनका इतना फुकदान है कि ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन्स भी नहीं होते, और हमने ये चीज फेस की. तो हमने इसका दूसरा ये एक तरीका कार निकाला कि हमने बैचेस वाइज सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए बच्चों के स्मॉल मिनी ग्रुप्स बना के उनको कंप्यूटर लैब में बुलाया और उनको बिठा के वहाँ पे कुछ उनके ऑनलाइन लर्निंग की और उनको इंट्रोड्यूस कराया. क्योंकि रूरल एरियाज में बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता दैट व्हाट इज दिस. अगर उनके सामने कंप्यूटर एक डेस्कटॉप रखा हुआ है जो कि एक बहुत ही क्लासिकल और एक ओल्ड अभी वर्जन है हमारे पास, उनको उस वर्जन का भी नहीं पता कि ये क्या है. तो हमने तो ये मरला भी तय किया कि उनको पहले इंट्रोड्यूस कराया कि ये क्या डिवाइस है, ये कैसे रन करती है, इसके क्या फवायद हैं, और हम दुनिया से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं. तो हमने इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज कराई बच्चों को, ऑनलाइन हो के कुछ ऑनलाइन ग्रुप से भी मिलवाया. सो द एक्साइटमेंट वॉज यू नो वेरी मच क्यूट, क्योंकि उनको पहली दफा ये सारी चीजें दिखने को मिल रही थी. तो मेरा मैं अब इस नबीला एक छोटा सा, आई एम सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, बस छोटी सी मुझे एक बात पूछनी है कि रूरल एरिया के अंदर होते हुए आप कैसे इंश्योर करनी है कि बच्चे, अभी आपने कैसे काफी डीपली एक्सप्लेन भी किया इसको, मगर कैसे इंश्योर करनी है कि वो लेवल जो अभी फरीदा बात कर रही थी कि प्लेन लेवल आ जाए, कि अर्बन बच्चों के साथ वो सही उसी प्लेन लेवल पे कम्पीट करें? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये कहूँगी कि प्लेन लेवल वो इक्वल, वो पैरेलल लेवल तो नहीं आ सकता फिलहाल, क्योंकि मुझे लगता है इसमें थोड़ी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, जिसमें जियोग्राफिकली, बिकॉज पाकिस्तान इज वेरी डाइवर्स, तो जियोग्राफिकली हमें स्टैटिस्टिक्स पे थोड़ी नजर रखनी होगी कि जो देहात की पॉपुलेशन वो आपकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन. तो स्टेट लेवल पे इस चीज की अहमियत को उजागर किया जाए, जो कि मैं हर मीटिंग में कहती भी हूँ
कि आप स्टेट को थोड़ा रूरल डेवलपमेंट्स पे भी काम करना चाहिए जिसके लातदाद फायदे हैं. सिर्फ ये नहीं है कि अगर हम रूरल डेवलपमेंट्स पे काम करते हैं तो वो सिर्फ एक एजेंडा है, उसमें एक एजेंडा नहीं है, उसमें डाइवर्सिटी है, उसमें पोटेंशियल भी बहुत है और बहुत सारे ऐसे 360 इश्यूज हैं जिसका पोटेंशियल है कि उनको अगर ठीक कर दिया जाए तो पाकिस्तान एक सेम पेज पे आ सकता है. सो वंस अगेन रूरल डेवलपमेंट्स इज द बैकबोन फॉर पाकिस्तान जिसको मैं एम्फसाइज करती रहती हूँ. तो आई होप सो इंशाल्लाह इस पे काम हो रहा है, मेरी मौजूदगी नेशनल काउंसिल में इसका एक सबूत है पॉजिटिव. तो ऐसे ही हम मिलके काम करेंगे और देहातों की तरफ. नबीला, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू. आप जो काम कर रही हैं, आप एक रूरल एरिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हम लोग आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं बिकॉज जो आप कर रही हैं वो शायद हम नहीं कर सकते. हम एक अर्बन सेटिंग से, एक प्रिविलेज एरिया से आते हैं और आप वहाँ से बैठ के सारों के लिए लड़ रही हैं, बहुत बड़ी बात है. साथ में आपसे एक आखिरी छोटा सा सवाल पूछूंगी और उसका छोटा सा जवाब भी एक्सपेक्ट करूंगी कि क्रिएटिविटी टीचर्स में कैसी लाई जाए. देखिए, मैं सिंपल इसका यही कहूँगा कि टीचर्स खुद से हर चीज़ नहीं कर सकते हैं जब तक हमें इसको एज एन एजुकेशन लेवल पे इसको हम चीज़ें अपडेट नहीं करेंगे, चीज़ें चेंज नहीं करेंगे. जैसे फ्रीदा ने कहा, रायना ने कहा, नबीला ने, सब ने ये बात की है कि हमें ट्रेडिशनल सेटअप से एजुकेशन के निकल के दूसरी तरफ भी देखना पड़ेगा. दिस इज द सिंपल सोल्यूशन. अगर हम वो चीज़ें कर दें तो टीचर्स में क्रिएटिविटी आ जाएगी. वंडरफुल वंडरफुल सोल्यूशन. इसी को मैं आगे लेके चलती हूँ. फरीदा, अब आपसे आखिरी सवाल है क्योंकि अब हम अपनी इख्तिताम की तरफ पहुँच रहे हैं. तो अभी हमारी बात हुई कि टीचर्स की वेलफेयर बहुत ज़रूरी है. हमने तो बात की स्टूडेंट्स की वेलफेयर की, हम लोग यूजुअली बात करते हैं टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, टीचर की राइट की बात नहीं करते कि उनको इन्वायरमेंट मिल रहा है, उनको सारा आप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे रहे हैं, उनको मेंटल पीस मिल रहा है, उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है या नहीं. तो आपने जो एक ऐप डेवलप की है उसके अंदर आपने वो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की है. तो हम कैसे इंश्योर करें टीचर्स जो हैं उनकी सबसे ऑप्टिमम एनर्जी के ऊपर वो काम कर सकें, उनको एनवायरनमेंट दें. ओके तैयबा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही है कि हम लोग के पास टीचर्स का जो कोर टास्क है उसके अलावा इतने सारे टास्क हैं. जब वो रस्ते में आपके आ जाते हैं ना तो आपका कोर टास्क मिस कर जाता है जो उनका पढ़ाना है. हमारे स्कूल में यहाँ पे अटेंडेंस भी उसी वक्त लेने हैं, बच्चों को फिर नोटिसेस भी देना है, फिर उनकी डायरीज भी चेक करनी है, फिर उनके होमवर्क्स भी देने हैं. इतने सारे टास्क आप अगर टीचर को दोगे एट अ टाइम तो वो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है जिसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो बच्चे पे उतरता है. कभी कभी ऐसा नहीं है कि वो नहीं उतरता, क्योंकि टीचर एक बार रिपीटेडली बता के या एक टास्क को बार बार करके वो भी थक जाती है उस चीज को. हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. वैसे ही टीचर इंसेंटिव्स उनको कम मिल रहे होते हैं, उस पर आप इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसके ऊपर डाल देती हैं, तो जो क्रिएटिविटी है, ये जो मेंटल हेल्थ है, ये सारी चीजें यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन और सब कुछ. देखें, हर किसी के लिए अगर आप, मैं हमेशा कहती हूँ कि बंदे के पास पैसा होता है ना तो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है. जब नहीं होता तो वो सोच भी नहीं रख पाता उस चीज़ का, क्योंकि उसके पास उसकी नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं हो रही थी. पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे पास वेजेस बहुत ज्यादा कम है, टीचर्स की सैलरीज बहुत ज्यादा कम है. तो इस एस्पेक्ट पे स्कूल्स का काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो यहाँ पे टीचर्स को जो इंसेंटिवाइज करें, इसके अलावा वो टेक्नोलॉजीज उनको दें, इक्विप्ड करें, डिजिटल लिटरेसी दें, जिसकी वजह से वो आगे मजीद बढ़ सकते हैं, स्कूल्स के अंदर वो क्रिएटिविटी को ला सकते हैं जब उनके टास्क और उनके काम जो है वो खत्म होने लग जाए, टाइम इनका मैनेज जो है वो प्रॉपरली हो सके. तो इन्हीं के थ्रू आई गेस टीचर हम इंश्योर कर सकते हैं कि टीचर जो है वो आगे क्लास के अंदर जो है वो मजीद अच्छे से पढ़ा सके, क्योंकि टीचर इज अ पिलर. अगर टीचर ने सही तरीके से वो डिलीवर नहीं किया तो बच्चा जो है वो इफेक्ट करता है और सेम पेरेंट्स भी इफेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो बच्चे को पढ़ा नहीं सकते. हमें समझना है कि टीचर जो है वो कोर पिलर है हमारे स्कूल्स का. तो यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है इन पे काम करने की, और इनको ट्रेनिंग्स भी देनी चाहिए कि आपको किस तरीके से क्रिएटिविटी लाना चाहिए. हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे टीचर्स को ट्रेन किया जाता है. अगर मैं दूरबीन की बात करूँ तो दूरबीन जो है वो कॉलेजेस में टीचर्स को ट्रेन कर रहा होता है कि आपको किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है. सानिया आलम जो हमारे साथ एनवाईसी फेलो है वो बताती है कि स्पीड लर्निंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों में. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो बहुत सारे एजुकेशनल स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं. यहाँ पे इन स्टार्टअप्स को आपको प्रमोट करना चाहिए और स्कूल्स की इंडस्ट्री को इसके साथ इक्विप्ड करना चाहिए ताकि वो भी बेनिफिट हासिल कर सके और स्कूलिंग इंडस्ट्री भी ग्रो कर सके. तो इसी तरीके से हमारे टीचर्स भी जो है वो इंशाल्लाह मजीद ग्रो करेंगे. बिल्कुल, वो भी बेनिफिट हासिल कर सकें और टीचर्स भी बेनिफिट हासिल कर सकें. ये एक टू वे प्रोसेस है, बल्कि सर्कल बना हुआ है, एक साइकिल है जो हम लोगों को फॉलो करना है, और लाइफ इज अ सर्कल एंड साइकिल एज वेल. तो थैंक यू सो मच नबीला, थैंक यू सो मच साद, थैंक यू सो मच फरीदा, थैंक यू सो मच राना, एंड थैंक यू सो मच आतिक फॉर ज्वाइनिंग अस. आप लोगों ने अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किया. अभी हम लोग बात कर रहे थे टीचर्स के सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए
कितना उनका बड़ा रोल है, उनकी यूथ डेवलपमेंट के लिए कितना रोल है. और हम लोग अभी यूथ टीचर से ही बात कर रहे हैं, तो जो खुद अभी यूथ के अंदर, तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आजकल की सोसाइटी में टीचर होना के मानी क्या है. और फरीदा ने ये बात बताई कि आजकल की सोसाइटी में टीचर होने का मतलब कि डिजिटाइजेशन बहुत जरूरी है और हमें इंश्योर करना है कि हम 21st सेंचुरी के साथ साथ चलें. साथ ने, रायना ने बताया कि क्रिएटिव एक्टिविटीज के थ्रू हम लोगों को बहुत ज्यादा आगे चलना जरूरी है. नबीला ने हमें बताया कि रूरल एरिया को भी साथ लेके हमें चलना बहुत जरूरी है. और आतिक ने बताया कि मेंटल हेल्थ को भी साथ लेके जरूरी चलना है. तो हम सारों ने अभी ये बात की, हम लोग आपसे अभी बात करें, मुखातिब हैं, और हम लोग यही कह रहे हैं कि वर्ल्ड टीचर्स डे के ऊपर टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी एक टीचर हैं, आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर किसी को सिखाया होगा, चाहे आपको पता हो या ना पता हो. तो आप भी टीचर हैं, आप अगर रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो आप रिस्पेक्ट दीजिए भी, क्योंकि यही हम लोगों का एक एक लाइफ है कि आप गिव एंड टेक पे चलते हैं. यू गिव रिस्पेक्ट, यू टेक रिस्पेक्ट. एक एथिक्स, एक मोरालिटी और एक इखलाक होता है, और इखलाक से एक दूसरे से बात करेंगे तो आप वापस, आपको रिटर्न भी इखलाक से ही मिलेगा. और यही बात है जिस पे हम लोग एंड करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन अगेन फॉर जॉइनिंग अस. नेशनल यूथ काउंसिल के अंदर इतने हसीन लोग हैं, इतने माशाल्लाह से जबरदस्त लोग हैं, जहीन लोग हैं, जो सारे इतनी जबरदस्त बातें कर रहे हैं. तो आप भी सीखिए इन सारों से, और आप भी ऐसे, मे बी आप भी अगले नेशनल यूथ काउंसिल का हिस्सा हो. So take care. Thank you so much for joining us. Thank you very much, Tayyaba. Thank you so much. Thank you. Hajar, isko over karte hain, end karte hain.